नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। गुरु प्रकाश पर्व पर विशेष आयोजन, गतका का प्रदर्शन, शौर्य की मिसाल। महाराणा प्रताप चौक पर बनेगा फ्लाईओवर, ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत। शहर में चोरों का बढ़ता आतंक, पुलिस एक दो मामलों में थपथपा रही अपनी पीठ। कोहरे की वजह से ट्रेनों का संचालन प्रभावित, कई ड्राइवर तो कई रही रद्द। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। दशम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व मंगलवार को उत्साह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर सेंट्रल गुरुद्वारा गोड़पारा से भव्य नगर कीर्तन जुलूस श्री गुरु ग्रंथ साहिब की सरपरस्ती एवं पंच प्यारों की अगुवाई में निकाला गया, जो सदर बाजार गोड़पारा जोना बिलासपुर गांधी चौक दयालबंद होते हुए गुरु नानक स्कूल दयालबंद स्थित गुरुद्वारा पहुंचा। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज के सभी वर्ग से श्रद्धालु जुलूस में शामिल हुए। नगर कीर्तन जुलूस का जगह जगह श्रद्धालुओं द्वारा स्वागत किया गया और सेवा की गई, जिसमें भाटिया परिवार द्वारा भी दयालबन में नगर कीर्तन जुलूस का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान फूल माला और स्वागत द्वार से पूरा शहर प्रकाश पर्व के उत्साह में नजर आया। नगर कीर्तन जुलूस के दौरान विशेष गतका का प्रदर्शन भी किया गया, जिसे देखने बड़ी संख्या में शहरवासी उपस्थित रहे। तखतपुर क्षेत्र के किसानों की जमीन का आंकलन गलत होने की शिकायत को लेकर बुधवार को किसान कांग्रेस के नेतृत्व में किसानों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, जिसमें किसानों ने प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदने की मांग की है। मिसल बंदोबस्त 1952 के आधार पर जारी आंकड़ों में अच्छी पैदावार वाली जमीनों को बंजर घोषित किया गया है, जिसके तहत अब हो रही धान खरीदी में उत्पादन को लेकर असमंजस की स्थितियां बन रही है। यही वजह है कि उन जमीनों के आधार पर कम धान खरीदी केंद्रों में की जा रही है। की मांग हमारी यह है कि तखतपुर क्षेत्र को अकाल घोषित नहीं किया गया है शासन के द्वारा, यानी शासन भी ये मानता है कि तखतपुर क्षेत्र में बम्फर धान की उत्पादन हुआ है, तो किसानों का पूरा धान खरीदा जाए और नहीं खरीद रहे हैं, तो उनकी ऋण पुस्तिका के अनुसार 10 एकड़ में जैसे 150 क्विंटल लेना है तो 150 क्विंटल पूरा धान लिया जाए। किसान कांग्रेस ने तखतपुर क्षेत्र के किसानों की इस समस्या को लेकर मोर्चा खोलते हुए प्रशासन से राहत दिलाने की मांग की है, जिसमें जमीनों का सही आंकलन और 20 क्विंटल प्रति एकड़ के अनुसार धान खरीदी कराने की मांग की जा रही है। कैमरामैन राकेश साहू के साथ रमेश राजपूत, सिटी न्यूज बिलासपुर। गणेश नगर वार्ड क्रमांक 44 में आने वाले अन्नपूर्णा विहार के निवासियों ने चुचुयापारा ओवरब्रिज से गुजरने वाली सड़क से अपनी कॉलोनी की सड़क जोड़ने की मांग की है, जिसमें कॉलोनी वासियों ने अब तक केवल
एक मार्ग से आने जाने में ओवरब्रिज के चक्कर लगाकर गुजरने की जानकारी देते हुए परेशानी होने की बात कही है, जिसमें अन्नपूर्णा विहार के सेक्टर 5 की सड़क को मुख्य मार्ग से जोड़ने की मांग की जा रही है। बिल्डर ने कहा था कि वो खदेड़ने के बाद रोड देगा, अभी जो रोड जहाँ से रोड बनने का है वहाँ पर दूसरी प्लॉटिंग करके दूसरे लोग घर बना रहे हैं, वहाँ से हम लोग के बहुत आने जाने के हम लोग वहीं से आना जाना करते हैं। और एक रास्ता है जो बहुत घूम के आना पड़ता है, बहुत सकरा बहुत पतला, आए दिन वहाँ एक्सीडेंट होते रहता है, बस्ती है, बच्चे घूमते हैं, हमारे आने जाने के लिए बहुत तकलीफ होता है। हमारे कॉलोनी के बच्चों को ओवरब्रिज हाफ किलोमीटर होगा उतना दूर आके स्कूल का बस लेना पड़ता है। जब ये कॉलोनी बन रही थी तो ये बोला गया था कि आप लोगों को यहाँ से ब्रिज से यहाँ सड़क दी जाएगी, लेकिन वो हम लोग इंतज़ार करते रहे, उन्होंने नहीं किया। वहाँ पे प्लॉटिंग कर रहे हैं, बीच में हम लोग घूम के आते हैं अभी, जिसमें ना एम्बुलेंस आ सकती है कभी और ना ही कोई चीज़, मतलब बड़े ट्रक वगैरह नहीं, और बच्चों के लिए हम लोगों को ब्रिज छोड़ने जाना पड़ता है। जो साल 5 साल से ज़्यादा ही हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं आज बन रही कर, और अभी हम लोग ने जब देखा तो वहाँ पे बीच से वहाँ पे कॉलोनी प्लॉटिंग करके वो बेचने लग गए और उसमें से वो सड़क देने के लिए इनकार कर रहे हैं, वो तैयार नहीं हो रहे हैं। अभी हम लोग ये चाहते हैं कि जो हम लोगों को पहले बताई गई थी सड़क बहुत छोड़ने के लिए, वो हम लोग को दो, वो हम लोग चाहते हैं वो मिल जाए। नगर निगम महापौर किशोर राय अपने कार्यकाल के एक वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण होने का सबसे बड़ा श्रेय शहर की जनता और प्रेस मीडिया को दे रहे हैं। महापौर किशोर राय के अनुसार बीते एक साल में शहर को स्मार्ट सिटी के पायदान पर जगह मिलना सबसे बड़ी उपलब्धि है। साथ ही सिटी बस संचालन, जल, सफाई की पूर्ति को लेकर पिछले एक वर्ष में शहर टॉप पर आ गया है। शहर की सफाई व्यवस्था को प्रदेश में अव्वल बताने वाले श्री राय आने वाले 4 वर्षों तक शहर को और भी सौगातें देंगे। पेश है बातचीत के कुछ अंश। हमने बेहतर ढंग से काम किया और जिसका परिणाम यह हुआ कि बिलासपुर 100 स्मार्ट शहरों में शामिल हो गया। बिलासपुर को स्वच्छता में देश भर में 97वां और प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। साथ ही साथ यातायात को सुगम बनाने के लिए नई सिटी बस सेवाएं प्रारंभ हुई। इसके अलावा अनेक अधूरे जो काम पड़े हुए हैं उन कामों को तेजी के साथ काम पूर्ण कराने की दिशा में काम किया गया, जो कि आने वाले समय में इस नए वर्ष में वे अधूरे काम भी पूर्णता प्राप्त कर लेंगे, चाहे वो जलावर्धन योजना से जुड़े हुए काम हो और चाहे हमारा ऑडिटोरियम का जो काम है, ये सारे काम 2016 में पूर्ण होंगे, जिससे लोगों को हम 2016 में ये सुविधाएं प्रदान कर पाएंगे। नगर निगम अतिक्रमण अमला भले ही गोल बाजार तेलीपारा क्षेत्र में अपनी कार्रवाई पूरी नहीं कर पाया है, लेकिन शहर के तंग गलियों और घनी आबादी वाले इलाकों में कार्रवाई जारी रखी है। मगरपारा क्षेत्र के मरीमाई रोड पर अतिक्रमण कर मकान में निवास कर रहे 7 मकानों को अतिक्रमण दस्ते ने ढहा दिया और राजकिशोर नगर अटल आवास का रास्ता दिखाया। इन 7 परिवारों के द्वारा सड़क पर बेजा कब्जा कर मकान का निर्माण किया गया था। इनकी शिकायत नगर निगम कमिश्नर रानू साहू से जनदर्शन में की गई थी, जिसे प्रमुखता से लेते हुए कार्रवाई की गई। अधिकारियों की माने तो शहर में कार्रवाई बड़े स्तर पर पुनः शुरू होने वाली है। नाला निर्माण का कार्य किया जाना है, जिसके लिए मार्ग क्षेत्र में जिसके नाला निर्माण के क्षेत्र में जो झोपड़ियाँ आ रही थी और अवैध कब्जा था, उनको IHSDP के तहत मकान शिफ्ट में शिफ्ट किया जा रहा है। विधिवत इनको आवंटन करके वहाँ पे शिफ्ट करने की कार्रवाई की जा रही है। 6 घरों की कार्रवाई है यहाँ पे। शहर में प्रवेश के साथ ही रायपुर रोड में महाराणा प्रताप चौक पर रोजाना ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती है, जिसे लेकर हाईकोर्ट ने भी जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं। अब कहीं जाकर इस जगह पर फ्लाईओवर बनाने की योजना बनी है, जिसे स्वीकृति भी प्रदान की जा चुकी है। महाराणा प्रताप चौक पर यातायात को व्यवस्थित करने के अलावा अब एक और ओवरब्रिज बनाने की योजना तैयार की गई है, जिसे शासन स्तर पर स्वीकृति भी मिल गई है। शहर के दौरे पर रहे नगरी निकाय मुख्य सचिव RP मंडल ने इसकी जानकारी देते हुए मौके का निरीक्षण भी किया है। मैंने आपके पुल को देखा जी। जो हम लोग प्लान कर रहे हैं, हमारे आदरणीय मंत्री जी ने सैंक्शन कराया है महाराणा प्रताप के पास का पुल का, तो उसका हमने निरीक्षण किया है और उसके कंसल्टेंट भी नियुक्त हो गया और अति शीघ्र उसका DPR बन जाएगा और सैंक्शन हो जाएगा। रायपुर रोड में इस चौक पर रोजाना ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है और लोगों को घंटों परेशान होना पड़ता है, जिससे छुटकारा दिलाने अब यह फ्लाईओवर की योजना बनाई गई है।
फिलहाल योजना के मूर्त रूप में आने में अभी समय है, तब तक शहरवासियों को इस मुसीबत का सामना और करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन राकेश साहू के साथ रमेश राजपूत, सिटी न्यूज बिलासपुर। कोटा विकास खंड के विभिन्न ग्राम पंचायतों में कार्यरत स्वास्थ्य मितानिनों को वर्ष 2012 से 2015 तक 3 वर्षों का मेहनताना प्रोत्साहन राशि वितरित नहीं की गई है, जिससे मितानिनों को अनिवार्य कार्य के बाद भी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। मितानिनों ने मामले में जिला कलेक्टर से प्रत्येक ग्राम पंचायतों में मितानिनों की संख्या के आधार पर प्रोत्साहन राशि जारी कराने की मांग की है, जिसमें पिछले वर्षों की राशि भी शामिल है। 2013 से ना दिसंबर से अभी तक नहीं मिले हमारे पैसा हा। तो प्रोत्साहन राशि हाँ जो देवा था वे थे हा। और हमन मितानिन मन ना इतना जवाबदारी के साथ मन कार्य मन अपन काम ल करा था, तो हमन ला पैसा नहीं मिला था वे। तो आदमी पैसा के लिए करते सर है ना काम, तो हम सब को ना पैसा चाहिए है ना जो हमन काम करा थे। पर यही समस्या है कि जो हम मितानिन कार्यक्रम में करा थे ना, तो हमला प्रोत्साहन जो दे थे शासन वो हमला नहीं मिल पाते, यही हमार सबसे बड़े समस्या। 2002-03 से जुड़े हैं हमन है मितानिन स्वास्थ्य सेवा में, और हमन के तो टाइम टेबल है नहीं कि हमन इतने समय तक के करी, हमारे तो कोई भी टाइम अब बुला थे तो उस समय जाके अपन सेवा भरपूर दे थन। और शासन द्वारा हमन जो प्रोत्साहन राशि दिए कि जो आदेश है कहना चाहिए शासन द्वारा, वो हमने सर 2013 दिसंबर से अभी तक के नहीं मिल पाए हैं। तो हमारे को अभी जब पंचायत से दिया जा रहा है ना, तब से हमको थोड़ा और ज़्यादा परेशानी हो रही है सर। तो हम चाहते हैं कि खाता में हमारे डायरेक्ट खाता खुलवा दिया गया है, तो उसी में दे दिए दे तो ज़्यादा अच्छा। मकर संक्रांति के एक दिन पहले कन्याकुब्ज ब्राह्मण समाज की महिला समिति ने मसानगंज स्थित वृद्धाश्रम में पारंपरिक भोज खिचड़ी और आश्रम में रहने वाले सभी वृद्ध जनों को रोज की जरूरतों के सामान वितरित किए। कन्याकुब्ज ब्राह्मण समाज महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष डॉक्टर उषा किरण वाजपेयी ने इस मौके को एक अच्छा अनुभव बताया, साथ ही कार्यक्रम की जानकारी देते हुए सदस्यों ने अपने विचार साझा किए। संक्रांति की पूर्व संध्या पर हम लोगों ने इस कल्याण कुंज वृद्धाश्रम में खिचड़ी का आयोजन किया है। हमारी ब्राह्मण समाज की सारी बहनें कार्यकारिणी की लगभग और कार्यकारिणी से हटके भी सभी उपस्थित हैं और बड़े उत्साह के साथ सबने इसमें भाग लिया है। इन सब के बहनों के सहयोग से आज हम लोग खिचड़ी खिलाएंगे। दान तो ऐसी चीज़ है जो हर एक को करना चाहिए, और मैं तो चाहती हूँ कि ऐसे कार्यक्रम हमारा समाज तो कर ही रहा है, लेकिन सभी समाजों को करना चाहिए। हमको तो बहुत खुशी मिली है, ऐसे कार्यक्रम होते रहना चाहिए। सभी समाज लोग सब लोग मिलके ये सब कार्यक्रम करेंगे तो हम उनका अकेलापन दूर कर पाएंगे और सबको खुशी दे पाएंगे। घर में तो हम खुशियाँ बिखेरते ही हैं, लेकिन ऐसी जगह में हमको ज़्यादा ज़रूरत है कि हम खुशियाँ बिखेरें, सब खुश हों, हमसे हमारी तरफ से ऐसा प्रयास हो कि हम दूसरों को खुश कर सकें, इसलिए आत्मसंतुष्टि मिलती है। श्री सत्य साई मंदिर तोरवा में बंगाली समाज बिलासपुर द्वारा विवेकानंद जयंती का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और युवाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसे समाज के लोगों ने सराहा। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए सिटी न्यूज। न्याय की बात हो या अपराध, राजनीति हो या जनता से जुड़े मुद्दे, खेल जगत की खबरें हो या धर्म कला से जुड़ी, शिक्षा हो या स्वास्थ्य, किसान हो या कारोबार, सबसे है हमारा सरोकार, क्योंकि सिटी न्यूज है सच के साथ। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कुदुदंड में एक चोर की चोरी करने की हिम्मत देखिए, जिसने शंकर माली के घर चोरी की घटना को अंजाम दिया। कुदुदंड में ही रहने वाले 19 वर्षीय हिमांशु यादव ने पहले तो शंकर माली के घर से लैपटॉप चुराया, फिर उसे बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा था, जिसे सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक लड़का लैपटॉप बेचने की फिराक में घूम रहा है, और ये अंदेशा था कि वो चोरी का लैपटॉप हो सकता है। इसकी सूचना पर सिविल लाइन पुलिस वहाँ पर पहुँची, उसे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम हिमांशु उर्फ अभिषेक यादव बताया
18 वर्ष, और इससे लगातार पूछताछ करने पर इसने बताया कि ये मिलन चौक में ही शंकर माली के यहाँ से एक लैपटॉप की चोरी किया है और इसको उसके पास से बरामद कर लिया गया है और गिरफ्तार करके कार्रवाई की जा रही है। गोल बाजार के मोबाइल शॉप में पिछले दिनों हुई चोरी के मामले में पुलिस ने एक नाबालिग चोर और 3 खरीदार को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 9 जनवरी की दरमियानी रात ग्रीन चैनल मोबाइल दुकान से चोर ने 2 आईफोन समेत 3.5 लाख की चोरी की थी। इस मामले में पुलिस ने पूर्व में इस तरह की घटना को अंजाम देने वालों पर नजर रखी, जिसमें पुलिस को सूचना मिली कि सीपत थाना क्षेत्र का नाबालिग युवक मोबाइल बेचने की फिराक में घूम रहा है और उसने 3 लोगों को मोबाइल भी बेचा है, जिसकी तलाश करने पर वह मध्य प्रदेश में पाया गया और जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही मोबाइल खरीदने वाले नरेश शिकारी, मोनू शिकारी, अभिषेक शिकारी को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। सूचना प्राप्त हुई कि पूर्व में एक जो चोरी का अपराधी है उसके पास कुछ मोबाइल्स और टैबलेट्स हैं जिसको बेचने का प्रयास कर रहा है। तत्काल दोनों थानों की संयुक्त टीम के द्वारा सक्रियता से कार्रवाई किया गया। मुख्य आरोपी को इसकी भनक लगने पर वह एमपी की तरफ भाग गया था। टीम ने जाकर के एमपी से उसको गिरफ्तार किया है और चोरी किया गया समस्त मोबाइल्स टैबलेट्स बरामद किया गया है। कुल लगभग 3,39,000 रुपये की रिकवरी की जा चुकी है। मुख्य रूप से जो चोरी की गई थी वह एक नाबालिग आरोपी के द्वारा की गई थी, लेकिन उसके साथ में चोरी के सामान को अफरा तफरी करने में, छिपाने में 3 अन्य लोगों का हाथ था। उन तीनों को भी अरेस्ट किया गया है। सीनियर सिटीजन और गर्भवती महिलाओं को रेलवे ने नए साल का तोहफा दिया है। पहले ट्रेनों में सीनियर सिटीजन के लिए 2 सीटें आरक्षित रहती थी जो अलग अलग कोचों में होती थी। अब रेलवे ने इस सीटों की संख्या बढ़ाकर 4 कर दी है। यह भी अलग अलग नहीं बल्कि एक ही कोच में उपलब्ध होगी। यह सुविधा जनवरी के अंतिम सप्ताह से शुरू होगी। यह सुविधा बिलासपुर से चलने वाली सभी श्रेणियों की ट्रेनों में यात्रियों को मिलने लगेगी। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को किसी भी श्रेणी में हर हाल में लोअर बर्थ दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक रेलवे आरक्षण फॉर्म में भी बदलाव करने वाला है, जिसमें ये दोनों बदलाव का अलग कॉलम होगा। CPRO संतोष कुमार ने यह जानकारी देते हुए इसका लाभ लेने का बड़ा आसान तरीका बताया। सीनियर सिटीजन्स और जो लेडीज का जो कोटा था उसको बढ़ा के 2 से 4 किया गया है। तो ऐसी स्थिति में जो है, मान लीजिए कि कोई जो है सीनियर सिटीजन है और उनको नॉर्मल वे में अगर नहीं मिल पाता है तो ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है उसको लेके कंफर्म कर देता है। तो ये सुविधा दी गई है। सीनियर सिटीजनों को जो है वो सुविधा भी मिलती है, कंसेशन की सुविधा मिलती है। फीमेल को 50% और मेल को 40% की सुविधा मिलती है। पार नियमों के अनुसार जो है वो सीनियर सिटीजन का लाभ लिया है और जो वाकई में सीनियर सिटीजन नहीं है तो उनको विदाउट टिकट ट्रीट किया जाएगा और उनको फेयर के साथ पूरी पेनाल्टी लगेगी। स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी भरा पत्र मिलने के बाद भी सुरक्षा व्यवस्था में सिवाय बल तैनात किए कोई खास प्रयास नहीं किए गए हैं। मालूम हो कि 9 जनवरी को स्टेशन मास्टर के पास डाक से यह पत्र हाथ लगा था। स्थानीय रेल प्रबंधन उस वक्त हड़कंप मच गया था जब सामान्य डाक के माध्यम से स्टेशन मास्टर के पास स्टेशन, विभाग और घर को बम से उड़ाने का धमकी भरा पत्र हाथ लगा। और यह वाकया तब की है जब रेलवे बोर्ड के चेयरमैन AK मित्तल बिलासपुर प्रवास पर रहे। रेल प्रबंधन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के तत्काल निर्देश देते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की बात कही। 9 जनवरी को पत्र आया जिसमें लिखा था, अगर MST धारकों पर आइंदा कार्रवाई की गई तो स्टेशन, रेल विभागों, कार्यालय और घर को बम से उड़ा देंगे और इसका डेमो जल्द दिखेगा। हमको अपने हेडक्वार्टर से रायपुर से पत्र आया है कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा, और उसमें भी थोड़ा सा निर्देश दिया गया है कि MST वाले उनको फाइन वाइन किए थे शायद स्टेशन प्रबंधन के लिए, तो उनको धमकी दिया गया है कि बम बम से उड़ा देंगे। और इस संबंध में मेरे को डायरेक्टर तो कोई लेटर दिए नहीं है, फिर भी अपने अध्यक्ष कार्यालय से आया है, इस हिसाब से हम लोग सुरक्षा व्यवस्था चौकस लगाए हैं और उसमें तो किसी प्रकार की जांच का जब SMS आया बोल रहे हैं, लेकिन SMS का कोई नंबर तो है नहीं है, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था ही मेन है। पत्र की सूचना तत्काल RPF, GRP और जिला पुलिस को दी गई। चेकिंग व्यवस्था और बल बढ़ाए गए।
पर दो दिन बाद हालात फिर मनमौजी वाले हो गए। स्काफ लगाए लोग बड़े आराम से घूमते दिखे। सीसीटीवी स्कैनर मशीन अब भी हाथी के दिखाने वाले दांत साबित हुए। पुलिस के दोनों विभागों को मानो इस तरह के पत्र से कोई खास फर्क ही ना पड़ा हो। कैमरा पर्सन प्रकाश राखे के साथ मनीष मनसागर, सिटी न्यूज, बिलासपुर। कोहरे में ट्रेनों का सही ढंग से परिचालन करा पाने में रेल प्रबंधन के पसीने छूट रहे हैं। चार माह पहले से गत वर्ष के पूर्वानुमान को देखते हुए ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि देश के 100 से भी ज्यादा ट्रेनों का परिचालन बाधित है। सर्दियों के मौसम में नॉर्थ इंडिया के कोहरे ने भारत भर के 100 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द करने मजबूर कर दिया है। अचानक से समय में बदलाव या रूट डायवर्सन में प्रबंधन और यात्रियों को दिक्कतें ना हो, इसे देखते हुए एसएससीआर ने भी चार माह पहले से 18 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जिनमें से कुछ के फेरे कम किए गए हैं तो कुछ की फ्रीक्वेंसी कम की गई है। एसएससीआर प्रबंधन ने यह निर्णय गत वर्ष के हालातों का एनालिसिस करके लिया है। बताया जा रहा है कि दूसरे जोनों को मिलाकर भारत में कुल 100 यात्री ट्रेनें कोहरे की वजह से प्रभावित हुई हैं। यात्रियों को असुविधा तो हुई है, पर सुरक्षा को देखते हुए कोहरे में विजिबिलिटी पूरी तरह से कम होने के बाद इस निर्णय के पूर्वानुमान को सही माना जा रहा है। आगामी 29 फरवरी तक ट्रेनों के रद्द रहने का सिलसिला जारी रहेगा, जिसकी सूचना स्टेशन में चस्पा की जा रही है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की लगभग 18 ट्रेनें हैं जो कि प्रभावित हैं और इनकी फ्रिक्वेंसी कम गई है, इनको पूरी तरह से रद्द नहीं किया गया है। जैसे मैंने पहले बताया कि जो डेली है 7 दिन चलती है, उसको 4 दिन चलाया गया, ताकि अगर एक दिशा में आने वाली ट्रेन जो है वो लेट हो जाए तो जो गंतव्य पे पहुंच के ट्रेन स्टार्ट होती है वो दूसरे दिन कैंसिल रह के तीसरे दिन जो है वो उसका सही समय पे उसको चलाया जा सके। नॉर्दर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा कोहरा है, इवन कि रोड की विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है, 200-300 मीटर भी लोग ठीक से देख नहीं पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसे में ट्रैफिक कंजेशन होता है, तो इसको मद्देनजर देखते हुए पहले से प्लान कर लिया गया। दुर्ग एक्सप्रेस, कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस, बिलासपुर अमृतसर एक्सप्रेस सहित कई महत्वपूर्ण यात्री ट्रेनें बुधवार को रद्द रही। स्टेशन परिसर में यात्री इस वजह से भटकते भी दिखे। कैमरा पर्सन प्रकाश राखे के साथ मनीष मनसागर, सिटी न्यूज, बिलासपुर। मुंगेली जिले के पथरिया ब्लॉक के रौना कापा में लाटाघाट से रोजाना रेत माफियाओं द्वारा ट्रक व ट्रैक्टरों के माध्यम से अवैध रेत उत्खनन किया जा रहा है। घाट में कुछ लोगों द्वारा 300 रुपए प्रति ट्रैक्टर वसूला जा रहा है। इसकी शिकायत गांव के सरपंच व सचिव ने पथरिया एसडीएम से की। एसडीएम ने 2-3 दिन आकर कार्रवाई भी की, लेकिन उसके बाद से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ ही खनिज विभाग से भी इसकी शिकायत की गई, लेकिन खनिज विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे शासन को लाखों का राजस्व नुकसान उठाना पड़ रहा है। मुंगेली के जिला बनने के बाद भी खनिज विभाग में वाहन व कर्मचारियों की कमी होने से रेत माफियाओं पर उचित कार्रवाई नहीं हो पाती। अपन पंचायत द्वारा, ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा एसडीएम साहब को सूचित मौके सूचित किए थे कि हमारे यहाँ वैधानिक रूप से मतलब रेत खनन करके निकासी की जा रही है। एसडीएम साहब ने 2 दिन तक के छापा मार करके 5-6 गाड़ी को पकड़े थे। दूसरा दिन भी अपन छापा मारे थे, उसमें भी 4-5 गाड़ी को पकड़े थे। उसके बारे में तो कार्यवाही की है कि नहीं की है इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। कार्यवाही एसडीएम द्वारा नहीं की जा रही है, अब ये तो खनिज विभाग को अपन सूचित 1-2 दिन में अपन करेंगे, प्रस्ताव तो हो गया है। रोक समय समय पर लगाया जाता है जो, लेकिन हमारे स्टाफ पर्याप्त नहीं है। एक तो मंगली जिला में इंस्पेक्टर भी नहीं है ना, तो अभी वहाँ कोई नहीं रहने, स्टाफ नहीं रहने कारण काम बाधित होता है ना, वाहन भी नहीं है, स्टाफ भी नहीं है। और उसके लिए हमारे यहाँ मांग की गई है शासन से ना, वाहन की है ना, वाहन के लिए मांग की गई है। अब इंस्पेक्टर हो सकता है इस सप्ताह आ जाए, अभी जसपुर से रिलीव नहीं हुए थे, और रिलीव तब आते होंगे, तब थोड़ी सख्ती बढ़ती जाएगी ना इंस्पेक्टर होने से। मुंगेली जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत में स्कूल भवन के लिए अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कराया जा रहा है। यह निर्माण लोक निर्माण विभाग के द्वारा कराया जा रहा है। इस निर्माण का यहाँ के जनप्रतिनिधि और ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। विरोध का कारण गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य है। ज्ञात हो कि बीते दिनों निर्माणाधीन जिला पंचायत की छत गिर गई थी, जिसमें मजदूर घायल हो गए थे। उसी प्रकार इस भवन में भी घटिया मटेरियल का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है।
जब इसकी शिकायत उच्चाधिकारियों से की गई तो उन्होंने कार्रवाई की बात कहकर मामले को टालने का प्रयास किया और नियमों का हवाला देते हुए कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। इसमें गुणवत्ता नाम का कोई चीज ही नहीं है, ईंट भी एकदम डी मॉडल की ईंट लगा है, चुनाई भी उसमें करवा रहे हैं, उसमें एकदम कम मसाला से एकदम जीरो में चुनाई हो रहा है और उसमें तराई उराई भी नहीं होने से पूरे एकदम छूने पर एकदम आप खुद देख लीजिए सर उसको गुणवत्ताहीन है वो, छूने पर भी सर उसमें का जो मसाला है वो झड़ रहा है। ठेकेदार को मैं बोला हूँ कि इसमें के बिल्डिंग का कितने का है क्या है, तो उन्होंने इसका मुझे किसी प्रकार का एस्टीमेट भी नहीं दिया और बोल भी रहे हैं कि तुम्हें इसमें भी इस बिल्डिंग से किसी प्रकार का मतलब नहीं है, आप इसके पीछे मत पड़ो, ऐसे बोलने लग गए मुझे। जांजगीर चांपा जिला अस्पताल में जल्द SNCU यानी सीक न्यूबॉर्न केयर यूनिट की स्थापना होने वाली है। इस यूनिट में गंभीर एवं कुपोषित बच्चों का उच्च स्तरीय इलाज किया जाएगा ताकि शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सके। यह यूनिट 6 माह के भीतर हर हाल में स्थापित करना है ताकि जल्द गंभीर एवं कुपोषित बच्चों का इलाज संभव हो सके। नवजात बच्चों के बढ़ते मृत्यु दर ने जिले के स्वास्थ्य महकमे पर लगातार सवालिया निशान लगाए हैं। अब जिला अस्पताल में कुपोषित एवं गंभीर किस्म के मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने संसाधनों का विस्तार किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला अस्पताल में हाई क्वालिटी की मशीनों की खरीदी की जा रही है। ऐसे मशीनों के उपयोग के लिए अब हाई क्वालिटी के यूनिट तैयार की जाएगी। यूनिट का नाम सिक न्यूबॉर्न केयर दिया गया है। इसके लिए जिला अस्पताल प्रबंधन ने बजट सहित अन्य सुविधाओं के विस्तार से संबंधित प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा था जिसे शासन से स्वीकृति मिल चुकी है। सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट जो है जिला अस्पताल में लगने का है, कुछ दिन में खुल जाएगा। इसे खुलने से जो है जो नवजात शिशु जो है जो पैदा होते हैं और किसी कारणवश जो है बीमार हो जाते हैं या इमेच्योर रहते हैं, किसी प्रकार के कुछ और उनको रोग रहता है, तो उनकी इलाज जो है जहाँ पर ये यूनिट नहीं है वहाँ कर पाना संभव नहीं हो पाता। लेकिन ये इस यूनिट खुलने के बाद में इसमें समस्त कर्मचारी और अधिकारी जो है पद स्थापना होने के बाद जो है हमारे ज़िले के जो है इस तरह के जो न्यू बार्न जो के होने के बाद जो बीमार ग्रसित होते हैं उनको इलाज करने में बड़ी सुविधा होगी, हमें बाहर नहीं भेजना पड़ेगा। इस बुलेटिन में बस इतना है। अपने आसपास की खबरों के लिए देखते रहे सिटी न्यूज़। सर मुझे दीजिए विदा, नमस्कार।